खबर पाली जिले से है, जहां सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के नेत्रा गांव से बीते 8 साल पहले मनोहर राज पुरोहित का अपहरण फालना कोचिंग क्लास जाते समय हो गया था, जिसको लेकर परिजनों ने फालना थाने में मामला भी दर्ज कराया था। वहीं 8 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस मनोहर को ढूंढने में नाकाम साबित हुई है। आपको बता दें, इस विषय में कार्रवाई ना होने से राज पुरोहित समाज ने 36 कौम के साथ मिलकर सुमेरपुर में एक बड़ी रैली निकालकर धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की अनुशासन की। इसी कड़ी में भाजपा नेताओं द्वारा राजस्थान में सीबीआई को प्रवेश की अनुमति देने पर जांच होने की आस जगी है। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। और 23 नवंबर 2016 में जब इसका अपहरण हुआ, तो उसके बाद में राज्य सरकार ने खूब प्रयास किए। उस समय मैं भी जिलाध्यक्ष था और सभी अधिकारियों से बिल्कुल इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई हुई। और 2.5 साल तक अधिकारियों ने, चाहे आईजी लेवल में हो या मुख्यमंत्री तक, ये मामला चला था। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मेरे साथ अधिकारियों की बैठक करवाई और उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाए और कैसे भी हो इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे उसमें पॉलीग्राम टेस्ट हो या इसमें 2-3 प्रकार के अलग टेस्ट भी हुए और जो उसमें दोषी पाए गए और जिन पे उनको सरकार को शक था, उनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की। और ये मामला अलग अलग तरह से चलता रहा। कई लोग ऐसे फर्जी लोग भी इसमें पकड़े गए, उनको भी सजा हुई। लेकिन अंत में जब सरकार वापस वसुंधरा जी की सरकार नहीं आई और जब गहलोत सरकार आई, तो गहलोत सरकार ने इस मामले को सीबीआई को जरूर दिया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। वो ठंडे बस्ते में चला गया। और जब सरकार 4 साल के बाद में केंद्र सरकार ने लिखा कि भैया राज्य सरकार का मामला है और इसमें सीबीआई जैसा मामला दिख नहीं रहा है,